इन दिनों राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बारिश जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में राहत लेकर आई है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में कहर बनकर टूट रही है। ताजा मामला सामने आया है बागेश्वर के कपकोट से, जहां मंगलवार देर रात से हो रही बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। अशोक के पास सरयू नदी किनारे बने ANM सेंटर और CHO सेंटर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जगह जगह सड़कें बंद होने से यातायात ठप हो गया। गांव वालों की कृषि भूमि भी तेज बारिश का शिकार हो गई। कल रात से ही कपकोट में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते वहां काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि कपकोट में आज सुबह 7 बजे तक 212 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल किसी के जान हानि की कोई खबर नहीं है। कुछ मार्ग बंद है, जिन्हें खोलने के लिए विभागीय अधिकारी जरूरी उपकरणों के साथ मौजूद है। वहीं कुछ दिनों से हो रही बारिश ने कई जगह ऐसे ही तबाही मचाई हुई है। वहीं एक दिन पहले नैनीताल में हुई मूसलाधार बारिश के चलते नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में 3 मूर्ति मंदिर के पास पहाड़ी से मलबा आने से लगभग 4 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा, जिससे यातायात काफी ज्यादा ठप हो गया। तो वहीं बारिश की वजह से चार धाम पर जा रहे यात्रियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें बंद होने से तीर्थ यात्रियों को अपनी रात सड़कों पर ही बितानी पड़ रही है। बता दें कि नेशनल हाईवे समेत 88 सड़कें बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर इस बारिश ने हर जगह तबाही मचाई हुई है।